हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास लेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर सेवन चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन पार्ट सिक्स सो नाउ वी आर इन पेज नंबर वन सिक्सटी वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एस्प्रेशन ऑफ वुमेन महिलाओं की आकांक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे कि द आइडल ऑफ इंडिविजुअली एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडिंग वुमेन मैन फ्रॉम एलिस्ट सोसाइटी तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअली नागरिकता के नए विचारों में महिला महिलाओं को दूर रखा जाता था तो सार्वजनिक जीवन में जितने भी अभ्याजात या संपन्न परिवारों में पुरुष को प्रमुख माना जाता था और घर परिवारों के मामले में भी वह निर्णय लेते थे उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिसमें उसके बाद वह लोग खानदानी पेशे या जीवन में आम जमींदारों को उठा सकें तो कभी कभी वह अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च में सौंप देते थे और अगर विवाह में प्राप्त महिलाओं से दहेज हो तो वह अपने पारिवारिक कारोबारों में और लगा देते थे एक तरीके का इन्वेस्टमेंट मानते थे जो भी दहेज मिलता था औरतों से तो इट वाज लाइक अ इन्वेस्टमेंट टू तो दीज रॉयल फैमिलीज तो महिलाओं का यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति के कारोबार को या कारोबार को सॉरी कारोबार को चलाने के बारे में कोई राय दे सकें तो कारोबारी एक तरीके से पूरे पुरुषों के हक, हक में थे दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होता था तो वो सिर्फ दहेज के लिए होता था और अगर दौरी मिल रही होती थी अरेंज हो सकता था बड़े बिजनेसमैन वालों के पास तो ही उनकी औरतें बहुत बड़े बड़े उनकी लड़कियां बहुत बड़े बड़े परिवारों में शादी होकर जा सकती थी दहेजी के माध्यम से और जिनके पास दहेज नहीं होता था तो उनकी बेटियां कॉन्वेंट में जाती थीं जहाँ पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी नन बन के निकाल देती थी क्योंकि उनके पिताजी के पास दहेज ही नहीं होता था उनके लिए देने के लिए वो एक तरीके से नन बन के घर के लिए पैसा जोड़ने का काम करती थी तो ये भी आमतौर में हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी और उनको बस घर परिवार चलाने वाले रूप में देखा जाता था हाउस होल्ड एक्टिविटी या होम कीपर के नाम पे हाउस वाइफ टिपिकल मेंटालिटी के नाम पे जाना जाता था तो जो व्यापार में पोजीशन ऑफ द वुमेन फैमिलीज ऑफ मर्चेंट हम देखते व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय सहायक कर सकती थी तो व्यापारी और हम देख सकते हैं बैंकर्स या साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार में स्थिति संभाल लेती थी तो दूर दराज स्थानों में भी हम देख सकते हैं कि व्यापार बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसके विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी उनके पति सार्वजनिक जीवन में कुछ बड़ी भूमिका निभाने के लिए बौद्ध हो जाते थे इस काल में हम ये भी देख सकते हैं कि महिलाएं एक तरीके से बौद्धिक रूप में बहुत रचनात्मक थीं मानववादी शिक्षा की भूमिका भी थी इनके पास तो कैसरे फेडरे ने 1465 सिक्सटी 14, फाइव में बहुत अच्छा लिखा था इनके बारे में एवरी वूमेन आउट टू सी कैन एम्ब्रेस दी स्टडीज शी वॉज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ द वूमेन क्वेश्चन द आइडिया दैट वुमेन वर इनकेपेबल अचीविंग द क्वालिटीज ऑफ यूमैन स्कॉलर्स तो इन्होंने बहुत प्यारी ये लाइन लिखी फेडियल वॉज नोन फॉर इज प्रोफिशंसी इन ग्रीक एंड लैटिन वॉज इन्वाइटेड टू द गिवेश यूनिवर्सिटी इन पेड तो महिलाओं की शिक्षा ना तो पुरस्कार देने में ना किसी सम्मान का आत्विश्वास तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हर चीज़ अपनी आइडेंटिटी को पाना इसके लिए एक बहुत बड़ा विचार बहुत ज़रूरी था तो फेडे ने अपनी राइटिंग में फ़ोकस किया कि एजुकेशन औरतों के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये डिज़ायर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है महिलाओं के लिए कि वो सेंसिबल हों और उन्होंने बोला कि सिर्फ घर चलाने के लिए महिलाएं नहीं हैं तो एक रिमार्केबल एक लाइन है जो था मैथ्यूनिया ने बोली है सेकंड लास्ट लाइन में इसन डेला स्टेट में फोटीन सेवेंटी फ़ोर से फिफ्टीन थर्टी नाइन तक शी रूल द स्टेट व्हेन हर हजबेंड वाज एपसेंट एंड द कोर्ट ऑफ़ मैनिटा तो उन्होंने बोला कि देखो वुमेन इंटेलिजेंट हो सकती है इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस है वुमेन के अंदर वुमेन्स राइथिंग रिवील देयर कन्वेंशंस एंड दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर प्रॉपर्टी एजुकेशन उन्होंने बोला महिलाओं के अंदर बहुत प्रतिभा है और <laughs> बहुत प्रसिद्ध हैं महिलाओं को काम दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकती हैं महिलाओं की रचनाओं में एक ढंग विकास का पतन है पुरुष प्रधान समाज को यह पहचानना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि वो डोमिनेट कर रहे हैं मैन या फीमेल को इसका मतलब ये है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है चीज़ों को लेके तो जो बैलेस्टर कैस्ट्रोफेज एक ऑथर थे डिप्लोमेट थे उन्होंने अपनी बुक द खाउथियर फिफ्टीन ट्वेंटी एट में लिखा <laughs> I hold that a woman should be no way resemble a man as regard her ways, manners, words, gestures, and bearing, just as it were fitting that a man should display a certain robust and sturdy manliness. so it is well for a woman to have a certain soft, delicate tenderness. this ye which charm me. अपने तौर तरीके व्यवहार बातचीत के तरीके भाव की छवि एक महिला पुरुष के संदेह नहीं होनी चाहिए जैसा कि ये कहना बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा होना चाहिए और स्त्री को सिर्फ कोमलता या एक तरीके से डेडिकेट डार्लिंग होना चाहिए तो ये भी एक तरीके से नहीं है विद एन एयर ऑफ़ फेमिनिन Line hai, aap upar dekhi. Sweetness in her every moment, which is going her, staying, and whosoever she does, a woman without any resemblance to a man. If this percept be added to the rules that these gentlemen have taught the courtier, then I think that she ought to be able to make use of many of them and adorn herself with the finest accomplishments. To <laughs> इन्होंने आगे बोला कि यदि भावनाओं में या स्त्रियों के रहन सहन चलन उनकी मधुरता आभास उनके हाव भाव के कार्य में उनको जज किया जाए तो सारे गुण में वे स्त्रियाँ को हमने हर चीज़ में दबा ही दिया है पुरुषों के सामने तो यदि अगर हम स्त्रियों को दरवाएंगे और महिलाओं को खुद अपने बेहतरीन गुणों को नहीं जोड़ने दिया जाएगा तो वह कमजोर ही कहलाएंगी वह कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती तो उनको आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको प्रोत्साहन देना उनको एडोन करना उनको एक तरीके से कंसिडरेशन में लाना फॉर आई कंसिडर दैनी वर्च्यूज ऑफ अ माइंड दैट आर नेसेसरी टू वूमेन एज टू मैन एज इट टू बी गुड टू द फैमिली टू शर्न अफेक्शन टू बी नेचुरली ग्रेसफुल टू बी वेल मैनर्ड क्लैव प्यूडेंट टू बी नाइ द प्राउड एडवीडियस ईवल टॉर वेन तो महिलाओं को पुरुषों को नहीं दबाना चाहिए और दबाने के लिए उनको एक सहज रूप में शालीन होना पड़ेगा चतुर और बुद्धिमान एक तरीके से प्राउड गर्वी चिड़न ईर्षालु फ्लेवर कुटिल या हम कह सकते प्रूडेंट उड़दंग ना होना तो ये भी एक तरीके से एक तरीके से अगर हम माने कीड़ा तंग मतलब टॉक्स ना करना तो ये भी एक तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेट करा ये थी इजाबेला ईस्टेन जिनकी फोटो है जिनके बारे में बता रही हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर लाइन अपनी किताब द खाट ईयर में फिफ्टीन ट्वेंटी एट में बोली अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जाता है डिबेट्स विद इन क्रिश्चैनिटी तो कैसे ईसाई धर्म में अंतर्गात विवाद होने लगे तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे